हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्क्रीन थोड़ी सी देख रहे हैं, थोड़ी सी धूप में हम लोग बैठते हैं। तो यहाँ वैसे तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो मैं आज एक बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये है नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश ऑयल कंट्रोल एंड जेंटली क्लीन्स है। ये कंट्रोल है ऑयल का और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये moms.com का जो है ये प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ब्रांड है। एंड इतना स्मूथ है, सबसे पहले तो आपको पैच टेस्ट करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद आप जो है ना इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने जैसे ही मतलब इसमें किया था, आप देख रहे हैं कुछ ग्लोइंग सा हो रहा है। और फ्रेगनेंस की बात करूँ तो ओ माई गॉड, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है ना कि मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी। तो पैच टेस्ट हमने कर लिया है, उसके बाद चलिए इसको यूज़ करते हैं। और इसमें ना आप जितना पानी ऐड करेंगे तो उतना ही इसमें जो है ना थोड़ा सा झाग आएगा, तो मैंने इतना सा क्वांटिटी लिया है। और अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि आप थोड़ी क्वांटिटी में ये आपके पूरे फेस में अच्छे से फेस वॉश हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप देख रहे हैं फ़र्क कितना अच्छा सा नेचुरल ग्लो सा दे रहा है और बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है जितनी भी डस्ट है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और बहुत अच्छी चीज़ इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड किए गए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लें। और मुझे बहुत पसंद आया था ये, तो इसमें ऑफ़र्स वगैरह चल रहे हैं तो आपको अच्छी जो है प्राइस में मिल जाएगा। एंड आप ग्लो देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा फेस को क्लीन किया है एंड अलग सा ही ग्लो मिला है। और ड्राई स्किन की बात करूं तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये वाला फेस वॉश। नेचुरल ग्रीन टी फेस टोनर है, वाइट एलोवेरा अप्लाई, एप्पल साइडर विनेगर है ये इसमें ऐड है। और टाइटनिंग पोर्स के लिए है ये, एंड मतलब ना ये आपको कुछ इस तरह की बॉटल में मिलेगा। तो पैच टेस्ट मैंने कर लिया था, सो आप लोग इस भूलिएगा नहीं पैच टेस्ट के लिए। एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, ये आपको जो है ना ऐसा लगेगा जैसे वाटर है ये, बट इस ये ना टोनर है, तो अलग सा इसका जो है ना टेक्स्चर है एंड फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फेस वॉश के बाद सबसे पहले आप टोनर अप्लाई करें, और अगर आप मेकअप कर रहे हैं ना तो टोनर ज़रूर अप्लाई करें, काफ़ी फेस के लिए अच्छा होता है। अगर आप कोई भी जो भी मतलब टोनर यूज़ करते हैं, कई ब्रांड के आते हैं, और ये मैंने सीरम यूज़ किया उसके बाद। और सीरम अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना तो सीरम बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाएगी, अगर आप बहुत अच्छा कवरेज देता है फाउंडेशन का। और ख़ासकर होता है ना पैची पैची सा फाउंडेशन एक जगह जम जाता है, तो सीरम यूज़ करेंगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। तो मैंने ये फिट मी का जो है मेबलिन का फाउंडेशन लिया है और ये काफ़ी अच्छा है ये, और शेड नंबर तो नहीं याद है बट हाँ मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हाई कवरेज भी देता है ये, बट काफ़ी अच्छा है, नेचुरल लुक देता है ये। तो इसको मैंने अच्छे से लगाने के बाद अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और नॉर्मल हेयर में कभी कभी हो जाता है कि सर पे लग जाता है हेयर में, तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी आप सही कर सकते हैं। और आई मेकअप के लिए मैं आई मेकअप में जो है सबसे पहले आई में लगा रही हूँ कंसीलर, और अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने लिया है रेड शेड, मतलब ब्राउन रेड, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ का कलर है एंड साड़ी का अलग है क्योंकि येलो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो है मेरी साड़ी का है, तो मैंने ब्राउन कलर लिया है क्योंकि हल्दी मेकअप लुक है तो ज़्यादा कलर नहीं लेना है। और मैंने उसके बाद ग्लिटरी येलो कलर में लिया है, ताकि बहुत अच्छा सा येलो कलर लिया है, मतलब शेड आए। तो उस दिन मैं कुछ अलग तरीके से मैंने जो है मेकअप किया था, और आई मेकअप मेरा थोड़ा सा अलग था उस दिन। एंड ये वाटर प्रूफ आई लाइनर है, ये प्रोफेशनल मेकअप किट पेंसिल है, ये 336H करके कुछ ऐसा है, और ये मैंने दो कॉम्बो में मंगाया है। एंड इसका रिज़ल्ट बताऊँ बहुत अच्छा है, और आप ना इसे डेली यूज़ भी कर सकते हैं डेली में, और इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिला है ना, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, ये कॉम्बो में मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिए।
इस तरह से मैंने आईलाइनर जो है उसे अप्लाई किया है और बहुत अच्छे से विंग बनता है इससे और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। आई मेकअप मेरा यहाँ पे डन होता है और इस तरह से येलो बहुत अच्छा सा जो है ना मैंने जिस तरह से हल्दी में होता है, तो बाकी आपके ऊपर है आप कितना डार्क हाई जो है मेकअप जो है करते हैं। और उसके बाद बारी है कंटूरिंग की। बिंदी लगाने के बाद बारी है अब लिपस्टिक। लिपस्टिक ऐसी चीज़ है मतलब आपका पूरे फेस का मेकअप जो है ना उसी पे डिपेंड करता है लिपस्टिक पर। और मैंने काजल नहीं अप्लाई किया था उस दिन, मैंने बताया था मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बट कहीं जाती हूँ ना तो मैं जल्दी काजल नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये वाली मैंने ये कॉम्बो में लिया था, ये वाली लिपस्टिक आई थिंक मार्स की है ऐसी कुछ है। एंड येलो साड़ी मेरी कुछ इस तरह की है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है जो मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। और जो चूड़ी का सेट है वो मैंने मीशो से लिया था एंड बहुत ही खूबसूरत सा ये जो सेट है चूड़ी का, और चूड़ी काफ़ी सुंदर है, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये चूड़ी जो सेट मैंने मंगाया था। और कुछ इस तरह का फाइनल लुक है। एंड कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे गोल्ड का चोकर है जो मैंने पहना है, बाकी सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। सो फाइनल लुक है, आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।